हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में। जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही आ जाती है कि कौन सी ऑथेंटिक बुक है, कौन किस पब्लिकेशन की बुक हमें परचेज करनी चाहिए और क्या हमारे लिए कंटेंट सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं और साथ ही साथ उन्हें परचेज भी करना पड़ता है। लेकिन आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना परचेज किए किसी भी पब्लिकेशन की बुक फ्री में रीड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और साथ ही साथ ऐड का भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जब आप वेबसाइट के थ्रू जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐड आपको देखने पड़ते हैं। तो इस जो आज ट्रिक मैं आपको बताऊंगी उसमें कोई ऐड नहीं है, फ्री में बुक्स हैं, आपको एक पब्लिकेशन नहीं कई सारे पब्लिकेशन की बुक मिलेंगी और ये मेनली जी एडवांस के लिए है, यानी जी मेंस या जी एडवांस जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे उन सभी की बुक्स आप फ्री में रीड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे ये हम प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है अपना, गूगल या क्रोम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जिस भी पब्लिकेशन की बुक सर्च करनी है वो आप सर्च कर सकते हैं या डायरेक्ट आप अपने कोर्स का नेम डाल सकते हैं। जैसे कि जी एडवांस की बुक के लिए हम सर्च कर रहे हैं, हमें जी एडवांस की बुक की प्रैक्टिस सेट करनी है या क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जी एडवांस बुक सर्च कर लेंगे। मैंने ईयर भी डाल दिया है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ कई सारे फॉर्मेट आ रहे हैं, यानी कि जो ऊपर साइड दिया हुआ है यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, कई सारे फॉर्मेट नजर आ रहे हैं। तो यहाँ जो बुक्स का फॉर्मेट है वहाँ आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही बुक्स के फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कई सारे पब्लिकेशन की बुक नजर आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ कई सारे पब्लिकेशन की बुक दी हुई है और इनमें से किसी भी पब्लिकेशन की बुक आप रीड कर सकते हो जो यहाँ दी हुई है। तो ये अगर इस बुक की बात करें तो ये DC गुप्ता की है और उसके बाद नीचे वाली बात करें तो ये आशीष अरोरा की है और उसके बाद हम बात करते हैं तो ये डॉक्टर SK गोयल की बुक है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरी बुक हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगी और उसके बाद थोड़ा प्रोसेस में टाइम लग रहा है बट फाइनली ये बुक ओपन हो जाएगी। ये देखिए बुक ओपन हो गई है, आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इसे स्क्रोल डाउन करेंगे, एक मिनट, जब आप इसे स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ देखिए पूरी की पूरी बुक डाउनलोडेड है, यानी पूरी की पूरी बुक दी हुई है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, पूरी बुक दी हुई है। कुछ भी ये नहीं है कि स्टार्टिंग के 10 पेज दिए उसके बाद के कंटेंट गायब है, ऐसा नहीं है। नीचे देख रहे होंगे कंटेंट का सेक्शन दिया हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारा कंटेंट दिखाई देगा। जूम करने का भी यहाँ प्रोसेस दिया होता है, आप जूम करके भी बुक को रीड कर सकते हैं। यहाँ सेक्शन वाइज सब कुछ डिवाइड किया हुआ है, सारा पैटर्न दिया हुआ है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या टॉपिक है, सेक्शन क्या है, सारी चीज़ें दी हुई, पेज नंबर भी दिया हुआ है। जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उस पेज नंबर पर जाकर आप फाइनली पढ़ सकते हैं। जैसे हम बुक ओपन करते हैं, बुक पढ़ते हैं वैसे ही। ये देखिए यहाँ से सेशन वन स्टार्ट हो जाता है, यानी मैथ्स का दिया हुआ है, मैथ्स का प्रॉब्लम दी हुई है तो यहाँ से आप देख सकते हो। सेकेंड बुक की बात करें तो ये सेकेंड बुक इसी की बात कर रहे थे हम। ये देखिए ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, इसे भी आप रीड कर सकते हो यहीं से। इसे भी स्क्रॉल डाउन आप नीचे करेंगे तो सारा कंटेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे हम मोशन पढ़ना चाहते हैं, यहाँ मोशन के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूले दिए हुए हैं, टिप्स दिए हुए हैं, ट्रिक दिए हुए हैं, शॉर्टकट मेथड जो है वो भी प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। ये देखिए आपको प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं जिन्हें आप प्रॉब्लम सॉल्व करके एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ हमारा लेवल क्या है, अभी हमें कितना पढ़ना है। दूसरी बुक की बात करते हैं, यहाँ यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ये भी जी एडवांस की ही बुक है, वही सेम प्रोसेस है जैसा मैंने आपको बताया है कि यहाँ से आप कोई भी बुक देख सकते हैं इजिली। यहाँ बहुत सारी बुक दी हुई है, हायर एलजेब्रा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, मैथमेटिक्स की अलग बुक दी हुई है, फिजिक्स की अलग दी हुई है, केमिस्ट्री की अलग दी हुई है, यानी अलग अलग सब्जेक्ट की दी हुई है, अलग अलग पब्लिकेशन की दी हुई है, प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो आपको बुक एक जो ऑथेंटिक बुक होती है यहाँ सारी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जो बुक पढ़ने का मन करे आप पढ़ सकते हो, बिना किसी ऐड के बिना किसी चार्ज के आप यहाँ बुक्स को रीड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और उसके बाद ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करती रहूँगी।
अगर कंटेंट को लेकर या मटेरियल को लेकर यानी स्टडी मटेरियल को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो मैंने नया मेथड बताया है आपको बुक रीड करने का, ये किन किन लोगों के लिए एकदम नया है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।